तो दोस्तों कई बार आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि उसे आने तो दो, या फिर उसे बोलने तो दो, या फिर उसे सोचने तो दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेंस है वो सेंस ऐसा निकला हुआ है कि मतलब उसे यार ये कार्य तो करने दो, यानी कि आप इसमें कहना चाहते हैं यार कम से कम उसे बोलने तो दो, या फिर कम से कम उसे ये कार्य करने तो दो। तो इस तरह का जो भाव है वो इस सेंटेंस के द्वारा निकलता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले एटलीस्ट का, उसके बाद आपको लगाना है इसमें लेट, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद आपकी वर्ब है वो इस तरह से आ जाएगी। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि उसे आने तो दो, यानी कि यार कम से कम उसे आने तो दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी एट लीस्ट लेट हिम कम, यानी कि कम से कम उसे आने तो दो। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे देखने तो दो, अब इसकी इंग्लिश बनेगी एट लीस्ट लेट हिम वॉच, यानी कि उसे कम से कम देखने तो दो। तो इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखिए उसे बोलने तो दो, तो इसका मतलब यार कम से कम उसे बोलने तो दो, इसकी इंग्लिश बनेगी एट लीस्ट लेट हिम स्पीक। तो इन्हें आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसे सोचने तो दो, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।